महराजगंज कस्बे से लगभग 150 कांवरियों का एक जत्था पैदल जल भरने के लिए डलमू रवाना हुआ। कांवरिया के जत्थे को जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू ने रवाना किया तथा रीति रिवाज के अनुसार सभी को चंदन का टीका लगाकर और मुंह मीठा कराकर सभी कांवरियों को ढोल बाजा के साथ नाचते गाते डलमू स्थित गंगा जी की पावन स्थली पर जल भरने हेतु पैदल रवाना किया। आइए देखते हैं, रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी। प्रभात जी, कांवरियों का जो जत्था अभी आपने प्रसाद वितरित किया, तो हालांकि हर साल आप ऐसा कार्यक्रम करते हैं, तो कैसा महसूस, कैसी अनुभूति होती है ये सब करने से? बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम लोग लगातार ये कार्यक्रम करते हैं और लगातार हम समझ रहे हैं लगभग 10-12 सालों से ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है जी। और भोले बाबा की कृपा से हमेशा हम लोग यहाँ, आज एक जत्था रवाना हुआ है, बाकी कल जत्था दानेश्वर धाम से रवाना होगा, दानेश्वर मंदिर से। वहाँ भी कल काफी संख्या में, लगभग 300-400 संख्या में लोग कांवरिया लोग जाएंगे। ये लोग पैदल जाते हैं, पैदल ही यात्रा डलमऊ तक करते हैं, उसके बाद लौट के आते हैं। तो यहाँ 2 तारीख को दानेश्वर मंदिर में इनके प्रसाद का इंतजाम रहता, तो बाबा भोलेनाथ का प्रसाद ये लोग स्वीकार करते हैं और सब भोलेनाथ की कृपा से ही सब मौसम हो पा रहा है, जो भी हो रहा है। थैंक यू।